खाएंगे खुशियाँ थोड़ा सा बार दिया फिर बहुत अच्छा फील होगा। ये वाला 10,000 का, ये है आपका 18,500-20,000, बाकी उधर वो 9,000 के खड़े हैं। चलो बहुत दिन के बाद ब्लॉग हम ला रहे, क्योंकि यार क्या बताएं, कुछ ऐसा इशू था जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो फाइनली बता दें कि आज हम लोग जा रहे हैं भाई महाराजगंज मार्केट, जो आज के दिन थर्सडे को लगती है, और चल रहे हैं थोड़ा सा। आपको वहाँ पे इस समय ईद भी आ रहा है ना, तो वहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि क्या सारा चीज़ है मार्केट में, कुछ अदला बदली हुआ या नहीं, ये सारा चीज़। और हमारे साथ जा रहे हैं ये अजीम, अजीम बंजारा। तो चलो आइए, मौल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये हमारे भाई मौल, हमको मेरे उस्ताद हैं, हाँ मौल साहब, बस क्लास 5 तक पढ़े थे। तो चलो भाई चलते हैं इनके साथ। और ये भाई बता दें, कह रहे हैं जलेबी खिलाने चलो हमको। ये देखो इतने नवाब हैं अजीम चचा हमारे, कह रहे हैं कि हमको महाराज जलेबी खिलाओ। चलो भाई खिला दें। और सच में चलो पहले मार्केट बकरा मंडी का दिखाएंगे, क्योंकि इस समय ईद बकरा ईद आने वाला ना, तो बहुत सारे लोगों का रहता है कि क्या रेट चल रहा है, इस समय क्या हाल है बकरा मंडी का। पहुंच गए। और ये है हमारे भाई क्लास फेलो साबान, है कि नहीं, रिक्शा वाले महाराज के ले चला। चलो चलो भाई चलो चलो यार अजीम चचा। फाइनली पहुंच गए महाराजगंज, जो आप देख सकते हैं ये है कुछ मार्केट कुछ इस तरह। तो चलो यार अजीम चचा किधर से चलोगे? चलो फर्स्ट टाइम इनके साथ जा रहे, देखते हैं भाई ये क्या क्या आज हमको दिखाने वाले। गरीबी क्या कुछ नहीं करा दे, आराम करने की उम्र में पैसे कमा रहे, मेहनत कर रहे, बिना वजह इनका भी खरीद लें। ए बाबू दाल का भाव है यार? पुराने भाव है। अरे पुराना का बताओ। अरे ना फेमस है। अरे बताओ यार, अरे तू बताइयो। अनसक्सेसफुल इंसान के औकात क्या होती, इस बच्चे ने याद दिला दी। लोग बाहर के भी मजाक उड़ाते हैं, बहुत हट गए अंदर से। अरहर का दाल 200 रुपये किलो, और ये मटर का? मटर का 100 रुपये किलो। अच्छा चलो भाई चलते हैं। की पैकिंग क्या रुपया करते हैं भाई, पूरा ऐसे लेके जब तक 130 रुपया का है बाबू। अच्छा 130 रुपये में पूरा पड़ जाएगा? पूरा पड़ जाएगा बाबू, नंबर एक मसाला है। अच्छा फाइनली पहुंच गए मार्केट में, लेकिन अभी इतना भीड़ है नहीं, लेकिन चलो दिखाते हैं आपको। ये देखो बकरा मंडी ये है, अभी गिने चुने हैं हम लोग, लेट आए, इस समय 3:30-4 बज रहे हैं। चलो देखते हैं, पता करते हैं रेट वगैरह कितना बताते हैं भाई। 30,000? 20,000? अच्छा 20,000 यार, या 20,000 के यार, ए या 20,000 के यार, दूध जुड़वा है ना बकरा देखो भाई 8,500 भाई, 20,000 मांग। ये देखो कुछ इस तरह है भाई, बहुत हाई रेट है यार, मार्केट बहुत टाइट है। क्यों चिन के निकाला? ओ चचा आज मार्केट टाइट है ना। चलो भाई और देखते हैं। ये वाला 10,000 का, ये है आपका 18,500-20,000, बाकी उधर वो 9,000 के खड़े हैं। चलो ये वाला भाई बकरा जो है आपका, ये और ये दोनों जोड़ा है 30,000 के। हाँ जी भाई 20,000? 30,000 यार। कान खड़े हैं हाँ, वो 11:30 का भाई, ये आपका 30,000 का। मार्केट बहुत टाइट है भाई, एक बकरा ये इधर है। ये कितने का मांग रहे हैं चचा? 13,500 तो यहू दाता है। अच्छा
13,500 तो भाई ये दो बकरा पसंद आया है जो आपको दिखाते हैं, ये और ये वाला। चाचा कितना मांग रहे हैं इनका दोनों का? दो गोइया पूरा दोनों। सही बताओ, फेंक दे हम बताओ, आप बताओ। हजार कम दे दे। कितना? 2,000 कम। ए चाचा आओ देखो, बात कही लो, देखो ना ही ली है यार, पसंद आ होता तो भाई। तो अब लिए वाली दाम बताओ। हम बताए थे 26,000 रुपए ले पाए। देखो भाई पसंद आ गया है, देखो अगर पसंद खड़ा कर दो, यही है दोनों। चलो अभी फाइनल होगा डील तो बताएंगे आपको। 21,000 लगा दिए हम लोग, ये वाला और वो वाला। कितना देंगे फाइनल बता दें चाचा? 25, उससे कम नहीं। अरे अब कसम ना खाए हम। हाँ यार कसम ना ही खाना, हो सका था डिस्काउंट। नहीं नहीं डिस्काउंट हो ही सका था चाचा। ले वाले ले खाए, मजाक ना है सच्ची में। आए ले खाए, ले जाओ सोना देते है, इन्हें है ले जाओ चरावे तो चिल्लाएं है भी। ये कोई करो तो मोल के व्यापारी चिपकना। तो भाई ये वाला जो बकरा है ना 18,500 मांग रहे, और वो मांग रहे हैं 15,000 प्लस, यानी कि 16 के आसपास। ये भाई हम क्यों मार्केट पता करने आए थे ना कि क्या क्या रेट चल रहा है इस समय, क्योंकि मार्केट अभी चढ़ेगी उतरेगी दोनों है, ये सारी चीज़ें। इतना ज़्यादा हाई रेट है कि अभी यानी कि कुछ खरीदने का मन ही नहीं करता। बहुत से ऐसे लौट गए केवल हाई प्राइस की वजह से। चलो भाई चलते हैं आगे। इंडी की तरफ जो कई रुपया आओ, तरह तरह की सब्जियां। टमाटर का भाव दे दो भाई, 40 रुपया किलो टमाटर। यार उतना तो मार्केट में भी है यार वही। ये कब बोल चलो तो कहाँ कर आया चाचा? चाचा कहाँ खरीदे आया? अरे लाओ खत्म। ये बाय बाय टाटा गुड बाय गया। 20 रुपया पाव। 20 रुपया पाव। और ये वाला चाचा? 20 रुपया पाव। अच्छा 20 रुपया पाव भाई, ये पूरा चिप्स। चलो भाई आगे चलते, उधर जलेबी बन रहा है, चलते हैं भाई इनको खिला दें जलेबी के लिए। चचा भाग आए बताओ महाराजगंज मार्केट। क्या खाइयो बताओ, आज खा लो तुम मन भर गए। अरे अब पलथी मार के ना बैठे हो कि हमें भागे परे छोड़ कर। का ले का खाइयो बताओ? ए भैया गर्मा गर्म इन्हें खिलाओ तो, इतना खिला दो कि पेट इनके खराब हो जाए। चलो भाई जलेबी आ गए, चलते खाते हैं। चाचा क्या हाल है? अच्छा है, खाएंगे? अरे खाओ चाचा, आप हमसे बड़े हो, बाबा हो हमारे, खाओ। कहाँ से आए बाबा? सब्जी खरीद आ रहे हो? अच्छा जो है बिन जाने बिन पहचाने किसी की मदद कर दो या कुछ खिला पिला दो थोड़ा सा, तो अंदर से बहुत अच्छा फील होता। वही आज हम फील कर रहे हैं, सच्ची में इतना अच्छा फील हो रहा था क्या बताएं। अरे बाबू ब्रेड पकौड़ा दे यार, ब्रेड पकौड़ा खा ले यार। आनंद दिया कर जल्दी आओ दे दे। चाचा ब्रेड पकौड़ा खा लो, एक ठो खा लो, आओ ए चाचा ब्रेड पकौड़ा दो। चाचा का बैठे थे यार, हमने कहा चलो यार खिला देते हैं चाचा को थोड़ा बहुत ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा
रहे क्यों चाचा? कुछ ना कुछ तो खाई चाहिए ना। देखो चाचा आपको ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं। बाबा हम बार बार चाचा बोल रहे चाचा को हमने मोहब्बत से जलेबी और पकौड़ा खिलाया, चाचा ने हमको ये फूल दिया। अरे ले जाओ बेटा तुम लगा लो अपने कान पे। चाचा चल रहे ना, चलो अच्छा लगा मिलके। के ये चच्चा का विधि है। चलो बाबा, चलो ठीक है बाबा, कैसा लगा? बढ़िया। अच्छा ठीक है, चलो चलो यार, मोहब्बत बनी रहे। हाँ ठीक है, मोहब्बत बनी रहनी चाहिए ना, प्यार से दिए तो हमने कहा चलो ठीक है रख लेते। चलो चलो, दिल्ली हम लोग आ गए गाड़ी में, घर से आए थे ऑटो रिक्शा में, लेकिन इस बार गांव के लोग मिल गए मतीन भाई, तो उन्हीं की गाड़ी में बैठे हैं। और बाहर का कुछ नज़ारा ये है जो आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ हाल है। तो आपको बता दें बकरा मंडी यार काफ़ी इस समय भाई बहुत ज़्यादा टाइट मार्केट है, यानी कि समझ ही नहीं आएगा क्यों अजीम भाई है ना, बहुत टाइट मार्केट है। ये गए थे देखने अंदाजने की कोई बकरा मिलेगा तो हम भी फंसा लेंगे एक ले लेंगे, लेकिन भाई इतना महंगा बकरा की नज़र ही नहीं आता। तो अभी तो हमें लगता है कि सब आस पास के जो गांव के इलाके के वही सब ला रहे, व्यापारी अभी उतना आ नहीं रहे, जिसके हिसाब से हमें लग रहा बकरे मंडी बहुत टाइट है। लेकिन आने वाले टाइम में दो तीन हफ्ते बाद आइए तो भाई हो सकता है हर कुछ कम हो, कुछ हल्का हो मार्केट, क्योंकि अभी तो लेना मुश्किल हो जाएगा जिस हिसाब से बकरा बता रहे, जिस हिसाब से दिखा रहे, जिस हिसाब से वो पैसे बता रहे, उस हिसाब से समझ ही नहीं आ रहा। तो चलो भाई ये ब्लॉग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।